उज्जैन से इस वक्त खबर, जहां विकास दुबे को चांटा मारने वाले पुलिसकर्मी ने सुरक्षा की मांग की है। पुलिसकर्मी विजय राठौर ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिसकर्मी शनिवार को आला अधिकारियों को इस संबंध में आवेदन भी देगा। तो उज्जैन के महाकाल मंदिर से विकास दुबे ने जिस तरीके से वहां पर सरेंडर किया, इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, फिर कल हमने देखा कि उसका एनकाउंटर हुआ। तो ऐसे में जो पुलिसकर्मी हैं उज्जैन के विजय राठौर, उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई है, क्योंकि इस दौरान उन्होंने विकास दुबे को चाटा मारा था। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये जो वीडियो सामने है। पुलिसकर्मी शनिवार को इसी संबंध में अब आला अधिकारियों को आवेदन भी देंगे। तो देखिए, यूपी के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे के एमपी के उज्जैन से पकड़ाने के बाद कई तरह के सवाल अब उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंदौर, उज्जैन सहित मालवा निर्माण कुख्यात अपराधियों के लिए सुरक्षित पनागाह बनते जा रहे हैं। इसके पीछे भी वजह खास है। न सिर्फ कुख्यात बदमाश बल्कि कई बड़े आतंकवादी भी इंदौर और उज्जैन संभाग को अपने ठिकानों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया, अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। क्या मालवा है अपराधियों का सेफ जोन? अपराधियों को आखिर क्यों भाता है मालवा? महाकाल की नगरी उज्जैन में यूपी के कुख्यात बदमाश विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर ये बात साबित हो गई है कि मालवा और निमाम कुख्यात बदमाशों के लिए किसी सेफ जोन से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस की नाक में दम करने वाला गैंगस्टर विकास दुबे भी यही सोचकर एमपी आया था कि वो यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित है। आखिर क्यों मालवा और निमाड़ कुख्यात बदमाशों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है, ये बात भी जानना जरूरी है। दरअसल एमपी की भौगोलिक स्थिति में मालवा निमाड़ ऐसे क्षेत्र है जिनकी रोड कनेक्टिविटी सीधे महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात से है। इसी वजह से इंदौर, उज्जैन सहित मालवा निमाड़ के कई जिले अपराधियों के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। मालवा और निमाड़ में पकड़े गए सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के कई कुख्यात आतंकियों ने पुलिस के सामने भी यही कबूला है कि उन्होंने इंदौर और उज्जैन संभाग को कई कई दिनों तक छिपने के ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, लंबे समय तक सिमी आतंकियों ने मालवा निमाड़ में ट्रेनिंग कैंप तक चलाए हैं। सिमी जैसे प्रतिबंधित संगठन से ताल्लुक रखने वाले कईमुद्दीन को भी जाँच एजेंसियों ने उज्जैन के पास बड़नगर से पकड़ा था। वहीं गुजरात बम धमाकों के पहले अब्दुल सुभान कुरैशी उर्फ तोकी, हाजी मूसा सहित कई अन्य आतंकी खंडवा में छिपे थे। साल 2009 में इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े मोहम्मद इरफान ने भी इंदौर, उज्जैन और खंडवा में फरारी काटी थी। सफदर नागौरी, अबू फैजल, तौफीक जैसे आतंकियों का भी मालवा निमाड़ में बड़ा नेटवर्क रहा है। वहीं इंदौर के पास चोरल, उज्जैन के पास बड़नगर और खंडवा के जंगलों में ट्रेनिंग कैंप लगाने और धमाकों की योजनाएं बनाने की बातें भी जांच एजेंसियों के सामने आतंकी कबूल कर चुके हैं। हालांकि रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों की माने तो मालवा निमाड़ भले ही आतंकी और बदमाशों के लिए सेफ जोन बना रहा है, लेकिन इन आतंकियों पर शिकंजा भी यहीं कसा गया है। वहीं कुछ जानकार इसे पुलिस व्यवस्था में खामी का नतीजा भी मानते हैं। मालवा क्षेत्र में निश्चित तौर से काफ़ी क्रिमिनल्स की एक्टिविटी रही है, बड़ी बड़ी गैंगें भी रही हैं, परंतु मध्य प्रदेश पुलिस ने सदैव इनका खात्मा किया है। चाहे वे सिमी हों या अनेक प्रकार के क्रिमिनल्स हों, या तो वो पकड़ाए हैं या इनकाउंटर में मारे गए हैं। विकास दुबे भी निश्चित तौर से ऐसे किसी क्रिमिनल्स के सहयोग से मालवा क्षेत्र में आया होगा, पनाह लेने का प्रयास किया, परंतु वो पकड़ा गया। जब तक इस पुलिस तंत्र को, एक तो सबसे बड़ा नुकसान हमारा जो हुआ है वास, वो जीओपी 69 जब से लागू किया उसने कबाड़ा कर दिया, क्योंकि जो इंदौर की नब्ज समझने वाला अधिकारी था या कर्मचारी, वो तो इंदौर से बाहर चला गया। जिनको आपने इंदौर में पोस्टेड कर दिया, उनको ये नहीं मालूम है कि किस अपराधी का फोटो, वो तो पहले आप किसी अपराधी का नाम लो तो आधे ज़्यादा थाने में लोग क्या कहते हैं, यार फोटो वोटो तो बताओ, पहले पहचानेंगे कैसे उसको। तो जब आपकी व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी हो, आप सोचते हैं कि ऊपर बैठा अधिकारी ऐसी कमरे में बैठ के गश्त के नाम पे कुछ नहीं बचा इस शहर में। नहीं तो एक 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 समय ये था कि रात को जो है टीआई खुद गलियों और मोहल्लों में घुमा करता था 2-2.5 बजे। आज की तारीख में गाड़ी में बैठा रहता, गाड़ी चलती रहती है और अपना आकर 4 बजे आकर सो जाता है। बहरहाल यूपी में आतंक मचाने वाला कुख्यात बदमाश विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और एक आतंक का खात्मा भी हो गया, लेकिन एमपी में विकास दुबे की दस्तक कई सवाल छोड़ गई है। सवाल ये भी उठता है कि मालवा आखिर कब तक बदमाशों के लिए सेफ जोन बना रहेगा।
पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।